हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अंकुर मिशन के अंतर्गत निपुण भारत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी, जो समग्र शिक्षा मतप्रियता शिक्षा केंद्र भोपाल से सभी विद्यालयों में पहुंचा दी गई है। इसके अंतर्गत देखेंगे हम सप्ताह 8 दिवस एक वर्कशीट 43 पार्ट 6 खाना अपना अपना के सारे प्रश्नों को जानेंगे, इसे हल करेंगे इस वर्कशीट को, जिसमें सीखने के बिंदु खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की पहचान करना, इसमें हम चर्चा करेंगे अभ्यास क्रमांक 1। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम देखेंगे इस चित्र के माध्यम से कि कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। यहाँ सब अपने अपने वक्तव्य, बालक कह रहे हैं, ये बच्ची कह रही है कि मैंने तो दाल भात बनाया था, ये बच्ची कह रही है। अब ये बच्ची, मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना, ये कह रही है। फिर दादा क्या कह रहे हैं कि बीजी बीजी के साथ हम गुरुद्वारा गए थे, वहीं लंगूर, एक बच्चा जी वाला जो है वही लंगूर में दाल रोटी खाई थी। अब ये बच्ची कह रही है कि मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। अब यहाँ जो है एक बच्ची फिर कह रही है कि माँ ने खीर पूड़ी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खा करके सो गई। अभी बच्चा बोल रहा है कि मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया खाने में। तो इस तरह से आपस में ये चर्चा बच्चे जो है कर रहे हैं, अपने अपने घरों में क्या हुआ है उसकी जानकारी इस क्षेत्र के माध्यम से बच्चों ने दिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शिक्षक चित्र विद्यार्थियों को दिखाए एवं पढ़कर सुनाए, जो हमने अभी पढ़ा है। तो इसके बाद सेकंड है, कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने पास बैठे विद्यार्थी से पूछे अपने अपने कल दोपहर एवं रात के भोजन में क्या खाया, जो हमने इसमें देखा। अब तीसरा है, शिक्षक विद्यार्थियों से पूछे उनके घर में भोजन में क्या क्या बनता है या बना था। तो इस तरह से हमने चर्चा किया। इसके बाद देखेंगे अभ्यास क्रमांक 2, आपने कल क्या क्या खाया लिखिए। दोपहर के खाने में दाल चावल रोटी, रात के खाने में खीर पूड़ी चावल सब्जी, ये हमने खाया था। अब बताओ अभ्यास क्रमांक 3, चित्रों को देखकर भोजन को पहचानिए एवं नाम लिखिए। अभी हम इस क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पर दाल चावल इस प्लेट में, सब्जी में थाली में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डोसा दिखाई दे रहा है, यहाँ रसगुल्ला है, यहाँ सब्जी और रोटी दिखाई दे रहा है और सलाद है। इस तरह हमने इस चित्र में देखा। इसके बाद पता करो अभ्यास क्रमांक 4 में कि चित्रों में दिखाए गए भोजन किससे बनते हैं, मिलान करिए। आ और बा को मिलान करना है तो हम देखेंगे पुलाव। अब जो पुलाव है वो चावल से बनते हैं, चावल से हमने इसको मिलान कर दिया। रोटी जो है गेहूं से बनती, गेहूं से मिलान कर दिया। इसके बाद यहाँ पर लौकी, टमाटर और गोभी, ये सब्जी आपको बनी हुई दिख रही है, इससे मिलान कर दिया। इसके बाद खीर दिखाई दे रही है, जो खीर जो है दूध और चावल से तैयार होती है। तो इस तरह हमने इस क्षेत्र के माध्यम से पहचान करना सीखा। इसके बाद हम देखेंगे वर्कशीट 44 सप्ताह 8 और दिवस 2 में पार्ट 6 खाना अपना अपना में ही सीखने के बिंदु खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की पहचान करना एवं भोजन के प्रति संवेदनशीलता, जिसके अंतर्गत हमको सोचना है। अभ्यास क्रमांक 1 में चित्र में बच्चे के घर खाना नहीं बनने के कारणों पर निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। अब ये चित्र है जिसके बच्चे जिसके घर खाना नहीं बना, उसके संबंध में हमको यहाँ पर चर्चा करना है। अब जैसे कि हमने चित्र में देखा था पिछले चित्र में कि एक बच्चे के यहाँ खाना नहीं बना था, तो उसके विषय में करना था चर्चा कि क्या उसकी माँ बीमार थी, नहीं। क्या
क्या उसके घर में ईंधन गैस लकड़ी नहीं थी? ये सारे हमको ऑप्शन ढूंढना कि क्यों नहीं बना था खाना। क्या आटा सब्जी के लिए पैसे नहीं थे? क्या घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था? ये सारे कारणों को हमको जानना है कि क्या कारण था, तो इसमें हमको चर्चा करना है। तो यहाँ हमने देखे कि ये बच्चे जो कह रही थी कि मेरे घर पर तो खाना ही नहीं बना, अब क्यों नहीं बना उसका कारण हमको इसमें से देखना है और चर्चा करना है। तो क्या उसकी माँ बीमार थी? दूसरा, क्या उसके घर में ईंधन गैस लकड़ी नहीं थी? क्या आटा सब्जी के लिए पैसे नहीं थे? क्या घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था? तो इसमें हमको चर्चा करना है कि क्या कारण था नहीं बना। तो इतने सारे कारण हो सकते हैं, कोई भी एक कारण होगा जिसके कारण उनके घर पे खाना नहीं बना। अब इसके बाद बताओ अभ्यास क्रमांक दो में कि बचे हुए भोजन का सदुपयोग करें, जरूरतमंद लोगों के लिए उपयोग करें। अब यहाँ देखिए स्लोगन है पढ़कर, हम खाना क्यों खाते हैं? तो क्यों खाते हैं बच्चे? शरीर को ऊर्जा मिलती है, जीवित रहने के लिए हम खाना खाते हैं। हमें भूख क्यों लगती है? तो शरीर के कार्य करने के लिए। क्यों लगती है? शरीर में जो मेहनती हम कार्य करते हैं या शरीर कार्य जब करने लगता है तो उसके लिए भूख लगती है। यदि हमें 2 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो शरीर कमजोर हो जाएगा। भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। हमें खाना क्यों नहीं फेंकना चाहिए? बचे हुए भोजन को भूख लगे लोगों को दे देना चाहिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दे देना चाहिए ताकि खाना का सदुपयोग हो सके। समारोह में बचे भोजन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? जो शादी समारोह में भोजन बचता है तो उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका उपयोग हम जरूरतमंद लोगों को दे करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अभ्यास क्रमांक 3 कि हमें जीवित रहने के लिए पानी, हवा और क्या जरूरत है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह हम यहाँ पर भोजन लिख देंगे। इसके बाद पता करो क्या करना है। अभ्यास क्रमांक 4 में दिए गए फलों एवं सब्जियों के चित्र में रंग भरिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहचान करना। एक तो आलू है, ये आलू में इस तरह से हमने चित्र भर दिया। इसके बाद गाजर देखिए आप, गाजर इस तरह रहती है तो गाजर के उसमें चित्र में हमने कलर कर दिया, गाजर जैसे आकार की है तो गाजर जैसे दिखने लगा। इसके बाद हम बैंगन को देखेंगे, यहाँ बैंगन ऐसी होती है तो बैंगन में हमने इस कलर कर दिया तो बैंगन जैसे लगने लगे। इसके बाद भिंडी देखिए आप, भिंडी इस तरह से रहती है। इसके बाद लेमन, संतरा, यहाँ पर संतरा देखिए आप तो नींबू भी ऐसे ही रहता है और संतरा भी ऐसे रहता है। तो इस प्रकार से इसकी पहचान और इसमें हमने कलर कर दिया। इसके बाद आम देखिए आप, आम इस तरह से पका हुआ आम इस तरह से रहता है, कलर कर दिया। इसके बाद देखेंगे सप्ताह 8 में ही दिवस 3 में वर्कशीट के मांग 45 पर हम देखेंगे पाठ 6 खाना अपना अपना सीखने के बिंदु। इसमें है बच्चों, युवा और वृद्धों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को जानना। इसमें पढ़ना हमको अभ्यास क्रमांक 1, शिक्षक सीमा तुम कई दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रही थी? फिर शिक्षक ने सीमा से पूछा, सीमा ने क्या उत्तर दिया? देखिए, सर मेरे घर छोटी नन्ही सी बहन आई है, मैं उसके साथ खेलती हूँ। फिर शिक्षक क्या जवाब देते हैं? अरे वाह, अब आपके परिवार में कितने सदस्य हो गए? सीमा उसका उत्तर देती है, सर कुल 5 सदस्य है, मैं, मेरी छोटी बहन, मेरी मम्मी पापा और मेरी दादी। इस तरह सवाल जवाब शिक्षक और बच्चे की ओर से हुआ। इसके बाद चर्चा करना हमको, क्या नन्हे बच्चे के दांत होते हैं? नहीं होते। नन्ना बच्चा क्या खाता है? दूध पीता है। नन्ना बच्चा कब रोता है? भूख लगने पर रोता है। आपके कितने दांत हैं? लगभग 20। आपकी दादी कितने दांत हैं? लगभग 32। 32 दांत सभी को होते हैं लेकिन किसी किसी के टूट जाते हैं इसलिए कम हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम अभ्यास क्रमांक 2 में ही नन्हे बच्चे को खाने में क्या देते हैं, चित्र देख करके लिखिए। नन्हे बच्चे को जो खा नहीं सकता उसको दूध देते हैं, तो यहाँ पर दूध, यहाँ पर 3 चित्र हैं जिसमें हम दूध लिख देंगे तो ये दूध देते हैं नन्हे बच्चे को, क्योंकि खा नहीं सकता इसलिए भुट्टा नहीं खा सकता और सेब भी नहीं खा सकता। हम सेब का जूस बनाकर दे सकते हैं, यहाँ हम दूध देते हैं। इसके बाद देखेंगे अभ्यास क्रमांक
तीन में दिए गए भोज्य पदार्थों में से छांट कर लिखे कौन क्या खाएगा। अब जैसे दाल रोटी बादाम नारियल चना दूध चावल दलिया मूंगफली, तो बच्चा क्या खाएगा, देखिए आप दूध और दलिया। जवान व्यक्ति क्या खाएगा, दाल बादाम रोटी नारियल चना चावल मूंगफली, और वृद्ध व्यक्ति रोटी दाल चावल दलिया और दूध। तो इस तरह तीनों का वर्गीकरण हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम पता करो अभ्यास क्रमांक चार में कि तीन माह के बच्चे का भोजन केवल दूध है, क्यों, क्योंकि तीन माह का बच्चा भोजन नहीं पचा सकता। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा है दादी अब मुझे दौड़ कर नहीं पकड़ पाती, क्यों, क्योंकि दादी वृद्ध हो गई है वो दौड़ नहीं लगा सकती। तीसरा है नाना जी दाल सब्जी में रोटी भिगोकर खाते हैं, क्यों, क्योंकि नाना जी के दांत गिर गए हैं वो चबाकर नहीं खा सकते। इसके बाद चौथा है आपको मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन अलग अलग खाना क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है बच्चों, देखेंगे हम। तो अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषक तत्वों के लिए हमें शरीर के निर्माण हेतु यह भोजन जो है मध्याह्न भोजन में दिया जाता है। तो इस तरह हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वर्कशीट का जो हल है वो समझ में आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 46, 47 और 48 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।